Shut up and sit down. जल प्रदूषण पर निबंध। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी जल जीवन का आधार है। कोई भी जीव बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। भोजन करने के बाद अथवा किसी काम को करने के बाद मानव शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। उस गर्मी की तृप्ति जल से ही होती है। मानव के प्रत्येक कार्य में जल की सर्वाधिक उपयोगिता है। जिस क्षेत्र में हवा और पानी दूषित हो जाते हैं, वहां जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। 20वीं शताब्दी में मानव सभ्यता और विज्ञान प्रौद्योगिकी का बड़ी तेजी से विकास हुआ। बेशक मानव जीवन इनसे उन्नत और सुखकर हुआ है, वहीं काफी हानि भी हुई है। आज वायु, जल, आकाश तीनों का अंधाधुंध और अनियंत्रित दोहन हुआ है। इस कारण मानव अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वह स्वर्ग लोक की यात्रा कराने वाली नदी मानी जाती है। गंगा अनेक पापों को धोने वाली नदी मानी जाती है। वह जीवनदायी गंगा आज कल कारखानों के जहरीले कूड़े कचरे से प्रदूषित हो गई है। भारत सरकार ने गंगा की सफाई के लिए व्यापक कार्यक्रम भी चला रखा है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन भी हुआ, किंतु अभी उसकी निर्मलता लौटी नहीं है। यही हाल अन्य नदियों का भी है। हमारे अवैज्ञानिक रहन सहन के फलस्वरूप जलाशयों में बहुत प्रदूषण है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इनमें स्नान करने तथा इनका जल प्रयोग में लाने से चर्म रोग एवं लकवा जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार होना पड़ जाता है। बावड़ियों का चलन लगभग समाप्त हो चुका है। देश के हर गाँव में कूप जल का प्रयोग अनादिकाल से होता आ रहा है, परंतु कई इलाकों में कुओं में घातक प्रदूषित तत्व पाए जाते हैं। जल मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से दूषित हो जाता है। जल स्थिर रहने से, जल में नगर की गंदी नाली और नालों का जल मिलने से, जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों के मिलने से, जल में छूत आदि रोगों के कीटाणुओं के मिलने से, ताल तलैयों के जल में साबुन शैम्पू आदि से नहाने तथा कपड़े धोने से, जल स्रोतों में कारखानों व फैक्ट्रियों आदि से रसायनों का स्त्राव होने से, नदी कुओं तथा अन्य जल स्रोतों के पास ही स्नान करने, कपड़े धोने, जूठे बर्तनों को साफ करने से, तालाबों में स्नान करने तथा उनमें मलमूत्र बहाने से, कल कारखानों से निकला कूड़ा कचरा तथा रासायनिक अवशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में गिराने से। भारत में लगभग 1700 ऐसे उद्योग है जिनके लिए व्यर्थ जल उपचार की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है। यह वह जल है जो हमें प्रकृति से मिलता है। इसे चार भागों में बांटा गया है। पहले वर्ग के अंतर्गत वर्षा का जल आता है, दूसरे वर्ग में नदी का जल आता है, तीसरे वर्ग के अंतर्गत कुएं अथवा सोते का जल आता है, चौथे वर्ग के अंतर्गत समुद्र का जल शामिल है। निम्नलिखित उपायों के द्वारा जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। समय समय पर कुओं में लाल दवा का छिड़काव होना चाहिए। कुओं को जाल आदि के द्वारा ढक देना चाहिए। इसे कूड़ा करकट और गंदगी कुएं में नहीं जा सकती। आपको जब पता चल जाए कि जल प्रदूषित है, तो सबसे पहले उसे उबाल लें, फिर उसका सेवन करें। गंदे जल को स्वच्छ रखने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करें। जल की मात्रा के अनुसार ही फिटकरी का प्रयोग करें। इससे जल में जितनी तरह की गंदगी होगी, सब की सब घड़े के तल में नीचे बैठ जाएगी। जल संग्रह किए जाने वाली टंकियों तथा हौज को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसका तत्परता से पालन न करने वाले उद्योगों पर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। कूड़े कचरे व मलमूत्र को नदी में न बहाकर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उनसे ऊर्जा पैदा की जाए और उससे खाद बनाई जाए। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों को लाइसेंस न दिए जाए। नदियों, तालाबों, ताल तलैयों एवं कुओं में मेंढकों, कछुओं आदि को मारने पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी प्रकार से जल को दूषित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।